हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो देखिए, हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियोस में हमने अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया पढ़ा है, उसके बाद हमने महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ा है। आज हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो देखिए, मोहम्मद गौरी शुरू में थे कौन और कहाँ से आए, पहले तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद इनका इंडिया में क्या इन्फ्लुएंस रहा वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अर्लियर वेसल्स ऑफ गजनी, वेसल्स का मतलब होता है जागीरदार या जागीरदार, जो भी आपको सही लगे। तो गजनी के वेसल्स थे ये, ठीक है। अब जैसे ही महमूद ऑफ गजनी की डेथ हुई, उसके बाद दे बॉट गजनी अंडर देयर कंट्रोल। इन मोहम्मद गौरी ने क्या किया, गजनी को अपने कंट्रोल में ले लिया। समझ रहे हैं, पहले हम महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जिस टाइम पे जो गजनी के महमूद थे, वो वहाँ के शासक थे, उस टाइम पे जो मोहम्मद गौरी थे वो गजनी के जागीरदार थे। बट जैसे ही महमूद ऑफ गजनी की डेथ होती है, इन्होंने गजनी को अपने कंट्रोल में ले लिया। और गजनी क्या थी, एक स्टेट या एक सिटी थी, कहाँ पे, अफगानिस्तान में, ठीक है। नाउ ही मेड हिज पोजीशन स्ट्रांग एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू इंडिया। अब इन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन को पहले गजनी के आसपास के एरियाज में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग किया, ठीक है। जब ये हो गया तो उसके बाद वो आगे की ओर चले, वो इंडिया की तरफ आए। उन्होंने सोचा कि चलो अब इंडिया की तरफ जाते हैं। सो उनकी पूरी की पूरी अटेंशन आ गई इंडिया की तरफ। नाउ जब हमने महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ा था, तो हमने उनका मेन फोकस क्या पढ़ा था, प्लंडरिंग करना, लूटपाट करना, राइट। बट जो महमूद गौरी था, इनका मेन फोकस क्या था, इनका मेन फोकस था टू कॉन्कर इंडिया, इंडिया पे जीत हासिल करना। लूटपाट तो चलो था ही था, बट मेन था कि अपना एरिया फैलाव करना, यहाँ पे अपनी टेरिटरी बढ़ाना, ठीक है। तो अब इनका मेन फोकस क्या 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 रहा, इंडिया को कैप्चर करना, इंडिया पे जीत हासिल करना। और महमूद ऑफ गजनी का क्या था, सिर्फ लूटपाट करना, पैसा आभूषण इन सब चीज़ों को उठा के यहाँ से ले जाना, ठीक है। सो अब 1175 में क्या होता है, 1175 में इन्होंने मुल्तान पे कब्जा किया, 1182 में, 1182 में सिंध पे किया, 1186 में पंजाब पे भी अपना हक जमा लिया। उस टाइम वहाँ के राजा थे खुसरो मलिक, ठीक है, और इन्होंने सतलुज तक के एरिया पे अपना पूरा को पूरा आप कह सकते हैं कब्जा कर लिया। अब आगे आए दिल्ली, वहाँ पे क्या थी, चौहान किंगडम चल रहा था। तो बस अब यहाँ से पृथ्वीराज चौहान आ जाएंगे और इनका मसला सारा चल पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे तीन बैटल्स हैं जो पढ़ने वाली हैं, जिसमें आती है फर्स्ट बैटल ऑफ तरैन, सेकेंड बैटल ऑफ तरैन और थर्ड आती है बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। तो इन तीन बैटल से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद एक दो बुक्स हैं वो हम देखेंगे, एंड दैट्स इट। बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। और जैसा मैं बता रही हूँ, पेपर पेन साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये देखिए क्वेश्चन, अगर मोहम्मद गौरी से क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा, या फिर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इतनी सी बात होगी, ठीक है। सो मतलब 90% गारंटी है कि यहीं से आएगा, बाकी 10% यू नेवर नो, है ना। तो फाइन, हम बात कर रहे थे फर्स्ट बैटल ऑफ तरैन। एंड वन मोर थिंग, नोट्स ज़रूर बनाएं, पेपर पेन साथ में रखें, सो दैट कोई भी नेक्स्ट एग्जाम आता है तो आपको इस तरह से गूगल पे किसी वेबसाइट को चेकआउट करने की या यूट्यूब पे किसी चैनल को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नोट्स को। आपके पास अपने बने बनाए नोट्स होंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि देखिए ऐसा तो होता नहीं है कि हमने फटाफट कुछ पढ़ा, एग्ज़ाम आया, क्लियर हो गया, ऐसा तो मतलब होता ही नहीं है। इसके लिए तो आपको बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सट्रीम अच्छे वाला लग चाहिए, है ना। तो अपने नोट्स मेंटेन रखिए, धीरे धीरे आप कोशिश करते रहें, आपका ज़रूर हो जाएगा टेस्ट क्लियर। बट नोट्स मेकिंग इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट टास्क, राइट। सो हम बात कर रहे थे फर्स्ट बैटल ऑफ तरैन के बारे में, 1191 में हुई थी। एक साइड थे मोहम्मद गौरी, एक साइड थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। क्योंकि अब इनको करना क्या था, अब देखिए हमने पढ़ा कि सत्तू इन्होंने कब्जा जमा लिया, आगे आते हैं चौहान किंगडम, ठीक है, मतलब चौहान राजा आ जाएंगे। तो अगर उनके एरिया पे कब्जा करना है तो उनसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। उस टाइम पे राजा थे पृथ्वीराज चौहान, तो इनसे इन्होंने युद्ध लड़ा, ठीक है। मोहम्मद गौरी हार गए, पृथ्वीराज चौहान जीत गए, तो बहुत मतलब एक बहुत ग्रेट एक ये बात थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी कि वो जीत गए। बट हमारे राजा क्या थे ना, बहुत दयालु टाइप के थे, वो मारते नहीं थे अपने जो विद्रोही होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनको छोड़ देते थे। तो इन्होंने भी ये बहुत बड़ी गलती करी इनको छोड़ के। अब जो मोहम्मद गौरी का प्लान था, इसके बारे में पृथ्वीराज चौहान को पहले ही पता चल गया था, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्फेडरेसी बनाई और जीत गए, ठीक है। बट अब जब मोहम्मद गौरी हार गए, तो उनको ह्यूमिलिएशन हो गई, शर्मिंदगी महसूस हो गई कि मैं कैसे हार सकता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि चलिए अब बदला लिया जाए, ठीक है। बदला लेने के लिए उन्होंने बहुत सीरियस प्रिपरेशंस की, बहुत हाथी को लेकर, सेना को लेकर वो आए थे, काफ़ी 1,00,000 कुछ ऐसा कुछ रहता है। आप पढ़ेंगे अगर डेप्थ में तो आप जानेंगे इस बारे में, बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कितनी आर्मी को साथ में लेकर आए, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो अब उन्होंने सोचा कि चलिए बदला लिया जाए। सो ही आस्क्ड पृथ्वीराज चौहान टू बिकम अ मुस्लिम,
उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान जी आप मुस्लिम बन जाइए। अब ऑब्वियसली हिंदू राजपूत राजा है वो थोड़ी मुस्लिम बनेंगे, कोई किसी और धर्म को बिना मतलब से अपनाएंगे, है ना। तो ये भी एक इशू रह गया। फिर पृथ्वीराज चौहान ने मना कर दी और उसके बाद क्या हुई, पहली बैटल हुई जिसमें कौन जीते, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। अब इसके बाद सेकंड बैटल होती है, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर ही हो गई, फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती हैं, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रूव हुई है मेजर डिजास्टर फॉर राजपूत, जो राजपूत थे उनके लिए बहुत बड़ी डिजास्टर ये प्रूव हुई है, ठीक है। जो पॉलिटिकल प्रेस्टिज थी वो काफ़ी सफ़र हुई, मतलब पॉलिटिकल लेवल पे राजपूतों का बहुत नाम था तो वो सब कह सकते हैं मिट्टी में मिल गया। देयरफॉर फर्स्ट मुस्लिम किंगडम जो यहाँ पे अपना जो हक जमाने में आप कह सकते हैं सफल रहा, अपना मुस्लिम किंगडम एस्टेब्लिश करने में जो सफल रहा वो था अजमेर में महमूद गौरी, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो, आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स अपने ज़रूर मेंटेन रखें, बिलीव मी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होंगे। नाउ हम मोहम्मद गौरी की बात कर रहे थे, सो ही रिटर्न टू गजनी, वो यहाँ से गजनी चले गए। बट उन्होंने अपने पीछे किसको छोड़ा, उन्होंने अपने पीछे छोड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक को जो कि उनके जनरल थे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या काम था, ही कंसोलिडेटेड हिज पोजिशन इन इंडिया, गौरी की या कह लीजिए अपनी पोजिशन का अपना होल्ड उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया था इंडिया में, ठीक है। अब थर्ड बहुत ज़्यादा फेमस बैटल जहाँ से क्वेश्चन आता है वो थी बैटल ऑफ चंदावर जो कि हुई थी 1194 में, ठीक है। एक साइड थे मोहम्मद गौरी, दूसरी साइड थे गढ़वाल रूलर, यहां पे एल आएगा, गढ़वाल रूलर जयचंद्र, ठीक है। ये हार गए, मोहम्मद गौरी जीत गए, ठीक है। अब तीन चार चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, फालतू कुछ भी नहीं लिखा है। पहला है नेष्ठा चरित्रा। अब नेष्ठा चरित्रा क्या है, ये एक बुक है जो श्रीहर्ष ने लिखी है। श्रीहर्ष कौन थे, कोर्ट पोइट ऑफ जयचंद। तो आता है कि नेष्ठा चरित्रा क्या है, ये है वो है, तो आपने देख लेना है कि ये एक बुक है श्रीहर्ष ने लिखी है। श्रीहर्ष कौन थे, जयचंद के कोर्ट पोइट थे। सेकेंड आता है बख्तियार खलजी, ये कौन थे, ये मोहम्मद गौरी के कमांडर थे, इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है। थर्ड आता है पृथ्वीराज रासो, वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चांद बरदोई ने लिखी है जो कि कोर्ट पोइट थे पृथ्वीराज के। ये जो है पृथ्वीराज रासो, ये लव स्टोरी है इनकी, ठीक है, किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। नाउ लास्ट आता है सुल्तान अलाउद्दीन, या देखिए अलाउद्दीन एक बुक में है बट एक जगह मैंने अलाउद्दीन दिखा है तो आई थिंक ये वाली चीज़ ज़्यादा सही होगी, आप देख लेना अपनी बुक में। इनको वर्ड बर्नर के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, बिकॉज ही अवेंज्ड डेथ ऑफ हिज टू ब्रदर्स, सैक्ड गजनी, द सिटी बर्न फॉर 7 days and 7 nights। इन्होंने, इनके दो भाइयों का कुछ मसला रहा था, ठीक है, गजनी के साथ, तो इन्होंने क्या किया, उनकी डेथ का बदला लिया, पूरे गजनी को ख़त्म कर दिया, इस सिटी को जला दिया और ये सिटी 7 days 7 rats तक जलती रही थी। इसलिए जो सुल्तान अलाउद्दीन है इनको वर्ड बर्नर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे समझ आया हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आप कोई भी अपडेशन चाहते हैं। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अभी तक मैं पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स, इंडियन ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स के नोट्स, नेशनल मूवमेंट के नोट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हैंड रिटन नोट्स की वीडियोज़ भी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। फाइन, कोई भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।